हेलो दोस्तों, बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाजार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो पोस्ट करी है, ओके, उस वीडियो को जरूर देखिए। मतलब उस वीडियो के थ्रू आप रिजल्ट का टाइम है, आप अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं विद रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बिल्कुल ही फेवरेबल आपके। तो इस वीडियो को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, एक आईपीओ आने वाला है, आपने डिस्क्रिप्शन आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, लोदर डेवलपर जिसे माइक्रोटेक के नाम से भी जाना जाता है, तो उसका एक आईपीओ आने वाला है। क्या हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, उसका जीएमपी कितना है, एज वेल एज बात की जाए उसके एंकर इन्वेस्टर से कितने पैसे जुटाए हैं, ओके, उसकी सारी डिटेल्स कब आ रहा है, क्या प्राइस है, क्या प्राइस बैंड है, ये सब चीज़ उसके बारे में जानेंगे। तो वीडियो की तरफ चलते हैं, ओके। बट बिफोर दैट, वीडियो में आगे बढ़े तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, हमारे चैनल बॉस ऑफ फाइनेंशियल बाजार को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फैलाइए, ताकि हम एक फैमिली क्रिएट कर सके और एक हम आगे एक दूसरे का हाथ पकड़ के आगे बढ़ सके। एज वेल एज नीचे डिस्क्रिप्शन में दो लिंक दे रखे हैं, फ्री में डीमैट अकाउंट का। अगर यहां पर आपका डीमैट अकाउंट नहीं है, ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है, आप पहली बार आ रहे हैं हमारे चैनल पर, तो सब्सक्राइब तो करिए और बेल आइकन को ऐड करिए। एज वेल एज यहां पर अगर अकाउंट नहीं है तो यहां पर क्लिक करिए, फ्री में आपका डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन हो जाएगा, जो कि इस एंजल ब्रोकिंग के साथ है, सेबी का से भी रजिस्टर्ड है और बहुत सारे बेनिफिट आपको दे रहा है। एज वेल है नीचे एक और लिंक है, यहाँ पर क्लिक करिए, श्री राम जी का अयोध्या में मंदिर बन रहा है, इनकी वेबसाइट पर ले जाएगा और अपनी इच्छा अनुसार जो भी आप दान दे सकते हैं एक दान दीजिए, ताकि हमारा ये मंदिर है वो बन सके। तो हम वीडियो की तरफ आते हैं, तो देखिए ये सबसे पहला है, ये यहाँ पर देख सकते हैं माइक्रोटेक डेवलपर लिमिटेड आईपीओ, लोधा डेवलपर आईपीओ डिटेल्स। तो क्या है ये लोधा डेवलपर्स, जैसे कि आपको यहाँ पर पता चल रहा है कि डेवलपर्स मींस रियल इस्टेट से रिलेटेड यहाँ पर बिजनेस है इनका, ओके। और तो लोधा ग्रुप एक ग्रुप है, ओके, जो कि आपको मुंबई में मिलेगा, ओके। एज वेल एज बात की जाए, इन्होंने अपनी एक अगर डोंबिवली में एक अलग ही सिटी बना के रख रखी है, जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव और काफ़ी अच्छी नज़र भी आती है, मैंने भी दूर से देखा है इसे, तो मैं आपको बता रहा हूँ। एज वेल एज बात की जाए, देखिए एक कोट है वॉरेन बफेट साहब का, क्या कोट है, तो उन्होंने साफ कहा है कि जो बिजनेस हमें समझ में नहीं आता है ना, उसे हमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर आपको ये बिजनेस समझ में आता है तो आप इन्वेस्ट करिए, अगर ये बिजनेस आपको समझ में नहीं आता तो हर एक स्टॉक में इन्वेस्ट करना ओके जरूरी नहीं है, जबकि आप वही पैसे दूसरे स्टॉक में जो आपको अच्छे खासे रिटर्न दे रहे हैं उसमें अपनी होल्डिंग बढ़ा के अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं, ओके। और हर एक आईपीओ में पैसा लगाना भी जरूरी नहीं है, और आपको बताऊं सच्ची बात, तो बड़े बड़े लोग आईपीओ में पैसा लगाते ही नहीं है। क्यों नहीं लगाते, उसके पीछे सिंपल सा रीजन है कि जो ये कंपनीज है इनके उनके पास डिटेल्स नहीं होती ज्यादा, तो वो इन कंपनियों में इन्वेस्ट करके फंसना नहीं चाहते। और आपने पिछले काफी टाइम से देखा है कि काफी कंपनी के आईपीओ आए ओके मार्च के लास्ट में और सारे के सारे धराशायी हो गए, एक आध को छोड़ के बाकी सबका आपको डिस्काउंट में ही आपको ओपन होते हुए दिखाई दिए। तो देखिए लोधा जो डेवलपर है, जैसे कि हम बात करें दूसरे जो हमारे बिजनेस है एचयूएल की, हिंदुस्तान यूनिलीवर की बात करें, तो उसके प्रोडक्ट्स हमारे देश में एज वेल एज कंट्री के बाहर भी यूज किए जाते हैं और अलग अलग लोगों के थ्रू यूज किए जाते हैं, और हर एक घर में एक दो प्रोडक्ट्स तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। पर लोधा डेवलपर्स एक मुंबई बेस है ओके, पूरी एक तो पूरे इंडिया में इसका एग्जिस्टेंस नहीं है। एज वेल एज बात की जाए, ये कंपनी डेवलपिंग से रिलेटेड है, बिल्डिंग्स बनाती है, तो इसके रिलेटेड हम पढ़ लेते हैं। बट आपको बताना चाहता हूँ कि जो बिजनेस समझ में नहीं आता और जो बिजनेस सब खरीद रहे हैं ओके उसी को खरीदिए ना, क्यों बेफालतू में जाना। तो फिर भी हम देख लेते हैं, देखिए यहाँ पर कहना क्या चाहता हूँ, आप मेरे बातों से अंदाजा लगा चुके होंगे, बट हम यहाँ पर वीडियो बना रहे लोधा से रिलेटेड, तो इसके बारे में जरूर जानेंगे। तो देखिए 1995 में यहाँ इनकॉर्पोरेट हुई थी, तो इसे मैक्रोटेक डेवलपर्स के नाम से फॉर्मली नोन एज लोधा डेवलपर, इस दोनों नाम से जाना भी जाता है, और इज द लार्जेस्ट रियल इस्टेट डेवलपर इन इंडिया, इंडिया में सबसे बड़ा भी है ओके। एज वेल एज बात की जाए, रियल इस्टेट डेवलपर एंड इन 2009 इट एंटर्ड इन टू द डेवलपमेंट ऑफ लॉजिस्टिक एज वेल एज इंडस्ट्रियल पार्क एंड ऑल्सो डेवलपिंग कमर्शियल रियल इस्टेट। तो रियल कमर्शियल रियल इस्टेट में भी है ओके, एज वेल एज बात की जाए लॉजिस्टिक एज वेल एज इंडस्ट्रियल पार्क भी ये धीरे धीरे इन्होंने एंटर किया है और बनाने जा रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था ना, पलावा सिटी नवी मुंबई डोंबिवली के आसपास यहाँ पर आपको मिलती हुई
दिखाई देगी जो मैंने बताया आपको, अपर अगर बात की जाए अपर थाने, थाने में भी आपको दिखाई देगी। ओके तो यहाँ पर इनके मुंबई बेस ही यहाँ पर आप देखेंगे, जोगेश्वरी से ये सारे के सारे मुंबई के ही एड्रेस है। तो आपको आपको डोमिनेशन अगर दिखेगा तो इसका मुंबई में ही ज़्यादा दिखेगा, बट अगर ये बिजनेस ऑल अराउंड द इंडिया होता तो देखिए इसका रेवेन्यू अच्छा खासा बढ़ सकता था। तो अच्छा खासा रेवेन्यू बढ़ता, अच्छी खासी यहाँ का प्रेजेंस रहती। ओके तो मुंबई के लोग नहीं, बाहर के लोग भी जानते और बाकी लोग भी जानते, तो ऑब्वियस सी बात है आपको बढ़ता हुआ यहाँ पर बिजनेस दिखाई देता। बट अगर बात की जाए इनके पास अभी सक्सेसफुली कम्प्लीटली 91 प्रोजेक्ट, 91 प्रोजेक्ट सक्सेसफुली कर दिए हैं। ओके एज वेल एज बात की जाए इतने स्क्वेयर फुट ऑफ डेवलपर एरिया विद 59 मिलियन स्क्वेयर फुट इन द अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट, तो उन्होंने सब कुछ ये बता रखा है इसके बारे में कि आईटी कैंपस, ओके इनका कॉर्पोरेट ऑफिसेज, ये सब चीज़, ये सब कुछ बनाते हुए हमें नजर आते हैं डिफरेंट डिफरेंट प्लेस में। अब बात करते हैं कॉम्पिटेटिव स्ट्रेंथ की, तो यहाँ पर देख सकते हैं लार्जर रियल रेजिडेंशियल रियल इस्टेट डेवलपर इन इंडिया, तो इंडिया में क्या सबसे ज़्यादा इनका मुंबई में ही है। स्ट्रॉन्ग सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क अक्रॉस इंडिया एज वेल एज NRI मार्केट, ब्रांड इक्विटी एंड प्रीमियम प्राइजिंग, ओके एंड स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज, अगर एक्सपीरियंस मैनेजमेंट टीम, तो यहाँ पर ये सब चीज़ जो कॉम्पिटेंट जो बताते हैं सब मोस्टली अपनी कंपनी के बारे में वही सब बता रखा है। कंपनी प्रमोटर्स की बात की जाए तो यहाँ पर आप नाम देख सकते हैं अभिषेक मंगल, प्रभात लोधा, इनकी वेबसाइट पर जाके गूगल पर आप इनके बारे में सर्च कर सकते हैं। और सबसे मेन पार्ट जो है देखिए यहाँ पर है कंपनी फाइनेंशियल्स, अगर फाइनेंशियल्स की बात करें ये 2018 है, ये 19 है, ये 20 है, और ये अभी पिछले 9 महीने का डेटा यहाँ पर आपके सामने नजर आ रहा है। अगर बात करें टोटल एसेट की तो देखिए टोटल एसेट तो घटती बढ़ती रहती है तो इस पर हम नहीं जाएंगे, बट बात करें टोटल रेवेन्यू की तो यहाँ पर टोटल रेवेन्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। देखिए मिलियंस एंड रुपीज़ पर यहाँ पर सब कुछ दे रखा है, अगर बात की जाए 137,265 ओके मिलियन रुपीज़ का यहाँ पर रेवेन्यू था, एज वेल एज बात की जाए 2019 में तो यहां पर घटता हुआ नजर आ रहा है 119,000 के लगभग, फिर उसके बाद बढ़ता हुआ नजर आ रहा है 125,000, और अगर हम 9 महीने की बात करें तो 31,604 जहां पर लोगों ने अच्छे खासे रिटर्न्स कमाए हैं। और अच्छे खासी अगर बात करें दूसरे ग्रुप की रियल एस्टेट में ही तो उन्होंने अच्छे खासे रिजल्ट पेश करे हैं, तो यहां पर ये कंपनी देखिए घाटे में हमें अगर 9 महीने की बात करें तो यहां पर देख सकते हैं कितना डिफरेंस हमें नजर आ रहा है, बट ईयरली बेस पे बात करेंगे। बट अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करते तो 2018 में 17,000 करोड़ के लगभग का प्रॉफिट था, इसके लगभग 16,000 हो गया, इस अगर इसके बाद देखें तो 7,400 और अभी बात करें तो नेगेटिव। तो अगर आप ऐसी फाइनेंशियल्स देख के ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हो कि हाँ जो जिसके रेवेन्यू भी घट रहे हो और एज वेल एज जिसका प्रॉफिट घट रहा हो, तो ऐसी कंपनी में मैं तो इन्वेस्ट नहीं करना चाहता, ओके, और ना ही मैं आप लोगों को सलाह दूंगा। तो आप अपना खुद भी एक बार देख लीजिएगा, मुझे ये कंपनी बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। ओके हाँ कंपनी मुंबई ऑल अराउंड इंडिया होती, लाइक गोदरेज एक हमारा है, ओके गोदरेज का हमारे जो हमें स्टॉक मिलता है गोदरेज रियल इस्टेट, ओके तो उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो एक बड़ा ग्रुप भी है, रेपुटेड भी है और ऑल अराउंड इंडिया में उनके प्रोजेक्ट्स चलते रहते हैं और अच्छा खासा रिटर्न भी आपको देता हुआ मिलता है। ऑब्जेक्ट ऑफ इशू की बात करें द IPO एम्स टू रेज मनी, ओके फॉलोइंग पर्पज तो टू रिड्यूस द एग्रीगेट आउटस्टैंडिंग बोरोइंग को कम करने के लिए, टू एक्वायर लैंड, कुछ लैंड इन्हें लेनी होगी, टू मीट जनरल कॉर्पोरेट पर्पज, जो ये कहती है। अगर बात करें अब डिटेल्स की तो देखिए 7 अप्रैल को ये आ रहा है, 9 अप्रैल को यहाँ पर ये इसका क्लोजिंग प्राइस मतलब क्लोज हो जाएगा। तो अब अगर बात करें एंकर इन्वेस्टर्स की कितने पैसा जुटाया, तो एंकर इन्वेस्टर्स का जो डेटा आता है ना वो 6 तारीख को आता है, मतलब एक दिन पहले आएगा, 7 अप्रैल को ओपन हो रहा है तो 6 तारीख को आपको डिटेल्स मिलती हुई नजर आएगी, तो एक बार गूगल पे आप सर्च कर लीजिएगा। इशू टाइप की बात करें बुक बिल्डिंग इशू है, जो कि 483 से 486 पर इक्विटी शेयर अगर आप अप्लाई करेंगे तो 486 के हिसाब से ये आपको करना होगा। फेस वैल्यू की बात करें 10 का फेस वैल्यू है और 30 शेयर का एक लॉट है जो आपको लेना पड़ेगा, BSE NSE दोनों जगह पर यहाँ पर लिस्ट होता हुआ नजर आएगा। इशू साइज की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2500 करोड़ रुपए यहाँ पर जुटाने की कोशिश है और लगभग 5,14,40,328 इक्विटी शेयर्स यहाँ पर फेस वैल्यू 10 के आपको मिलती हुई नजर आएगी, ये मार्केट में इतने शेयर बेचने जा रहे हैं। अगर बात करें IPO डेट की तो 7 को आ रहा है, यहाँ पर IPO ओपन हो जाएगा, 9 को क्लोज हो जाएगा, ओके विद इन
3 डेज आपको यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा, जो कि कमिंग वीक में ही है। ओके ओके, और बात की जाए कि आपको कब ये शेयर अलॉट होंगे, तो 16 तारीख को अलॉट हो जाएंगे जिन्हें नहीं मिले होंगे। ओके, तो यहाँ पर आप 19 तारीख को यहाँ पर बात करें तो रिफंड मिल इनिशिएट हो जाएगा, और डीमैट की बात करें तो 20 तारीख को आपके डीमैट में शेयर आ जाएंगे, और आईपीओ की लिस्टिंग की बात करें तो 22 अप्रैल को यहाँ पर लिस्ट होता हुआ नजर आएगा। तो सोच समझ के यहाँ पर विचार करिएगा लेने से पहले, सब कुछ देखते हुए। और मिनिमम की बात करें तो 14,580 रुपीस का यहाँ पर एक लॉट मिलेगा, और 13 लॉट के लिए रिटेल इन्वेस्टर मैक्सिमम आप अप्लाई कर सकते हैं, जो कि 1,90,000 के आसपास आपको पड़ेगा। तो ओके, तो ये सारे की सारी डिटेल्स थी। और बात करें जीएमपी की ग्रे मार्केट प्राइस की, तो इसका ग्रे मार्केट प्राइस कुछ खास नहीं चल रहा है। अगर बात करें तो 37 रुपीस के आसपास ग्रे मार्केट प्राइस चल रहा है। तो मैं आपने बताऊं तो मेरा रिव्यू तो ये है कि कंपनी इज नॉट मेकिंग प्रॉफिट, कंपनी इज नॉट मेकिंग रेवेन्यू। ओके, और अगर इस दोनों ही चीज़ कंपनी नहीं कर रही है तो ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट क्यों करना। इससे बढ़िया अगर आपको रियल इस्टेट के डेवलपिंग किसी कंपनी में जाना है तो गोदरेज के साथ चले जाइए। अदरवाइज मैं तो ऐसी कंपनी आपको कहूंगा कि बहुत सारी ऐसी मार्केट में कंपनी है जो आपको अच्छे खासे रिटर्न देगी, और मैंने अभी रिसेंटली वीडियो पोस्ट करी है, उस वीडियो को देख लीजिएगा, तो आपको इससे भी ज्यादा रिटर्न मिलते हुए नजर आ जाएंगे। तो शॉर्ट टर्म में गेन करने की जगह लॉन्ग टर्म में गेन करके अच्छे खासे दिमाग पैसा लगा के आप पैसा कमा सकते हैं। तो इसी चीज के रिलेटेड ये वीडियो थी जो कि आपको बताना जरूरी था। तो ये सब चीज मैंने आपको बता दिया, मैं तो इसमें अप्लाई नहीं कर रहा हूं, ये मेरा पर्सनल रिव्यू है। बाकी आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर पूछ लीजिएगा और खुद की स्टडी डेफिनेटली कर लीजिएगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा, एज वेल एज हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाजार को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाइए इस वीडियो को ताकि वो भी देखें और हमारे चैनल के साथ कनेक्ट हो और हमारी एक फैमिली क्रिएट हो सके। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।